आई एम आदित्य एंड यू आर वॉचिंग जर्मन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे B1 का जो जर्मन लेवल एग्जाम है उसका राइटिंग पार्ट। श्राइवन में काफी मिस्टेक्स होती है और काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि श्राइवन पार्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो उसी के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको पता है जो गोइथे का एग्जाम होता है जर्मन का B1 लेवल का, उसमें 3 टास्क होते हैं आपके, ड्राई आउगाबन। जो फर्स्ट और जो थर्ड टास्क होता है उसमें आपको मेल लिखना होता है एक, तो एक ईमेल आपको फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन की, जो आपको इनफॉर्मल ईमेल लिखना होता है। बेसिकली ये ईमेल आपको अपने फ्रेंड को लिखना होता है, या अपने स्कूल फ्रेंड को, या अपने किसी नोन को, ब्रदर को, कजन को लिखना होता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको या तो किसी पार्टी के लिए इन्वाइट देना होता है, या किसी ने आपको इन्वाइट किया है तो आप नहीं जा पा रहे हो तो उसके लिए अपॉलॉजी बोलना है आपको, या पार्टी की तैयारी कैसे करनी है उसमें हेल्प करनी है। तो इस तरह से काफी पॉइंट्स होते हैं इनफॉर्मल ईमेल होता है। बेसिकली आपको 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं इस पहले टास्क में, हमेशा 3 पॉइंट्स होंगे। उन तीनों पॉइंट्स को आपको इलैबोरेट करना है अच्छे से, क्योंकि इस फर्स्ट टास्क में आपको जो वर्ड लिमिट है वो 80, तो 80 वर्ड लिमिट में आपको अपने आंसर्स देने होते हैं और 80 वर्ड्स के अंदर अंदर ही आपको आंसर्स पूरा कंप्लीट करना होता है। 10-5 वर्ड ऊपर नीचे चल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना है। गलती क्या होती है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं समझते हैं। कई बार क्वेश्चन परफेक्ट में होता है और आप उसका आंसर प्रेजेंट में दे देते हो, जैसे कि किसी फ्रेंड ने आपको पार्टी के लिए इन्वाइट किया, आपके दूसरे जो फ्रेंड है कॉमन वो नई पार्टी में गया, वो जा नहीं सका ड्यू टू सम रीजंस, तो आप उस फ्रेंड को आप बता रहे हो कि पार्टी कैसी थी, कितने लोग आए थे, आपने क्या गिफ्ट किया पार्टी में। तो ये सब चीजें क्या है, परफेक्ट में हो चुकी है पार्टी, तो आप किसी को नरेट कर रहे हो तो आपको वो टेंस का ध्यान रखना है, वो भी परफेक्ट में ही बनेगा। गलती क्या होती है, वो आप प्रेजेंट में उसको नरेट कर देते हो जबकि पार्टी हो चुकी है ऑलरेडी, पास्ट का इवेंट है। तो यहाँ पे ध्यान रखना टेंस की, तो ये गलती होती है, इसको आप ध्यान रखना तो काफी अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं इस वाले फर्स्ट पार्ट में। 80 वर्ड्स मैंने बताया, तो 80 से 10 वर्ड्स कम और ज्यादा हो जाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो 3 क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, एक तो ये होगा कि आपको या तो अपॉलॉजी बोलनी है, या आप पार्टी में किस तरह से हेल्प करोगे फ्रेंड की, तो 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो डिपेंड करता है टास्क क्या है, किस तरह का क्वेश्चंस है, और इनफॉर्मल ईमेल ही होता है ये, हमेशा ध्यान रखना इनफॉर्मल होता है। और ये ध्यान रखना कि आपको एक पर्सन को लिखना है, 2 को लिखना है। अगर आप एक को लिखोगे तो ऊपर स्टार्टिंग में आपको बॉय और गर्ल का ध्यान रखना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, कैसे एंडिंग करनी है, एंडिंग और स्टार्टिंग का बहुत ध्यान रखना आप अच्छे से, और इसमें एंडिंग लाइन क्या होती है वो आप ध्यान रखना। मैंने वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर अच्छे से, B1 के ईमेल श्राइवन कैसे लिखते हैं। आजकल काफी मैंने 2-3 ईमेल अभी अपलोड किए हैं, आप देखना उसको वीडियो में कि कैसे B1 का ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल के पार्ट ही है ये, तो ये फर्स्ट टास्क है। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की इसी श्राइवन में, जिसमें दोबारा आपको ईमेल लिखना होता है, बट ये ईमेल फॉर्मल होता है और उसकी वर्ड लिमिट भी 40 होती है। तो 40 वर्ड लिमिट आपका आपको ध्यान रखना है और फॉर्मल ईमेल होता है। इसमें फॉर्मल किस तरह होता है, या तो आपको किसी अपने प्रोफेसर को लिखना है, या आपको किसी बॉस को लिखना है, या किसी कलीग को लिखना है, या कहीं आपने जॉब के एडवर्टाइजमेंट पढ़ी आप वहां पे लिख रहे हो ये ईमेल, तो ये फॉर्मल कैटेगरी का ईमेल है। तो यहाँ पे आप जेर गैटे से स्टार्ट करोगे, लीबे लीबर नहीं यूज करना, उसको अवॉइड करना है। तो इसी तरह से फॉर्मल ईमेल की कैसे स्टार्टिंग होती है और कैसे एंडिंग होती है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें वर्ड लिमिट 40 है, तो आपको एक ही बेसिकली एक या दो ही क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। या तो ये होता है कि आपकी किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है ऑलरेडी ऑफिशियल, बट आप नहीं जा पाओगे तो आप उसको अपॉलॉजी बोलोगे और रीजन बताओगे कि आप क्यों नहीं उस पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच पाओगे, क्या रीजन है, ये आपको देना है। और आप एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए उसको कन्विंस करोगे, आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करोगे और एक नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं थर्ड पार्ट में ईमेल के। तो ये फॉर्मल होता है, इसकी एंडिंग भी फॉर्मल तरीके से करनी है, जैसे फील ए ग्रूसर या मिट फ्रॉन्डिलेशन ग्रूसन, ये होती है फॉर्मल ईमेल की एंडिंग। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना ईमेल में। इस जो टास्क में बता रहा हूँ श्राइवन पार्ट जो होता है B1 लेवल गोइथे का, इसमें काफी स्टूडेंट 80 प्लस आराम से स्कोर कर लेते हैं, 90 प्लस भी स्कोर हो जाता है बड़ा थोड़ा स्मार्टली अगर आप काम करोगे तो। अब हम बात करते हैं सेकेंड टास्क की, जिसमें आपको लिखना है ब्लॉग राइटिंग, एक ब्लॉग होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप एक विजिटर डायरी को पढ़ रहे हो, उसमें कुछ विजिटर्स ऑलरेडी अपने कमेंट छोड़ चुके हैं, अपने ओपिनियन दे चुके हैं, अब आपको अपना को ओपिनियन देना है 80 वर्ड्स में। तो ये पूरा टास्क होता है ओपिनियन का, इसमें आपको ओपिनियंस अपने देने हैं और ओपिनियन देने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैं आपको डिटेल में बता दूंगा किस तरह से ओपिनियन देते हैं इसमें। तो इसमें हमेशा अलग नए नए वर्ड्स को यूज करो, हमेशा इश ग्लाउब इश डेंक नहीं, इसके अलावा जैसे माइनर माइनू नाक,
इश्विंडेर माइनूंग, ओके, नाख माइनर माइनूंग, नाख माइनर अनजेस्ट, इस तरह से आपको ओपिनियन के वर्ड्स आपको अलग अलग यूज करने हैं, वेराइटीज यूज करनी है आपको, 80 वर्ड्स पूरा करना है आपको, और आपको जो टॉपिक दिया हुआ जो थेमा है थेमा के ऊपर ही आपको बोलना है अच्छे से। अब थेमा किस तरह की होती है, इसमें जैसे आपका कोई आइडल, या आजकल यंग जनरेशन को अपना आइडल मानना चाहिए किसी को या नहीं मानना चाहिए, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ है कि नहीं, ओपिनियन क्या आपका, और आजकल हम ऑनलाइन म्यूजिक यूज करते हैं तो रेडियो क्या अपडेटेड आउटडेटेड हो गया है, लोग रेडियो को न्यूज नहीं पढ़ते, रेडियो को नहीं सुनते उसमें न्यूज वगैरह, तो क्या इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। आजकल लोग मूवीज देखना सिनेमा हॉल में पसंद करते हैं या घर पे होम थिएटर्स पे, इस तरह से। तो जो करंट के टॉपिक्स होते हैं इस टॉपिक्स पर आपको यूज करना है और अपना ओपिनियन देना है बेसिकली। तो आपको जो पहले ऑलरेडी विजिटर्स डायरी में कुछ लिखा होता है 3-4 lines, आप उसमें से कॉपी मत करना कुछ भी, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। वो ऑलरेडी इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको नहीं समझ आए टॉपिक थेमा, तो आप उसको पढ़ के 3-4 lines आप समझ सकते हो कि आपको क्या लिखना है, बट उसमें से किसी भी लाइन को कॉपी मत करना एज इट इज, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। उसमें से वर्ड्स ले सकते हो आप, उसमें से आइडियाज आप कलेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली, बट उसको एकदम एज इट इज अपनी नोटबुक में नहीं लिख सकते, अपने आंसर शीट पे नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से कि वो समझते नहीं है कि ब्लॉग में ऑलरेडी उनको लगता है आधा तो लिखा ही हुआ है, इसको हम कॉपी करके बाकी पूरा कर लेंगे, ये गलत है, इसमें आप मार्क्स लूज करोगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 3 tasks मैंने बताए, तीनों ही श्राइवन के पार्ट है जर्मन में B1 लेवल के। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से B1 का अटेम्प्ट करना है पेपर, और मैंने वीडियोस बनाए लो उनको देखते रहिए, और आई होप कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और 80+ और 90+ इजीली आप स्कोर कर लोगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल इज गुड फॉर द एग्जाम।